अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश और मेरी बेटी से मिले। ये क्या कर रही है? काकी आप क्या कर रही हो? हेलो करो। हेलो हेलो तो हम आज जाने वाले हैं। मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर, अपनी फूफू की बेटी के पास। तो मेरे साथ जा रही हैं अम्मी और इसके पापा जो हैं वो आएंगे शाम को। शाम को आएंगे ना? जी बोलो जी। तो काफ़ी टाइम से ना मैं आपसे मिली हूँ ना वो मुझसे मिली है। उसके माशाल्लाह से दो बच्चे हो गए। ना मैंने इसके बच्चों को फेस टू फेस देखा है, तस्वीरों में तो देखा ही है, तो ना उसने मेरी बेटी को देखा है। ना करो। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं उससे मिलूँगी। बहुत मेरी समझो कि वो फेवरेट कज़न है, उसका नाम फौजिया है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है उसके साथ हो रही है मुलाकात। तो जब मैं जाऊँगी उसके घर और मिलवाऊँगी उससे। अब पता नहीं वो कैमरे के सामने भी आती है या नहीं, क्योंकि उसके हस्बैंड भी इजाज़त नहीं देते कैमरे के सामने आने की। तो जो भी होगा जैसा भी मैं आपके साथ करूँगी शेयर। आपने यूँ ही रहना मेरे साथ और मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है आपने। बहुत मज़ा आएगा आज। समझो कि आज उसने दी है मुझे दावत। मैंने उसको बुलाया था अपनी बेटी के बर्थडे पे, लेकिन वो नहीं आ पाई, कुछ मजबूरियां थी इस वजह से। और फिर उसने मुझे बोला कि शुभता तुम मेरे घर ज़रूर आना संडे वाले दिन। गर्मी आज भी बहुत है, खबरों में बताया बहुत ज़्यादा गर्मी है। जा तो रही हूँ, देखो रास्ते में क्या होता है हाल हमारा। रिक्शे में जा रहे हैं, तो यूँ ही मेरे साथ रहना, मैं आपको दिखाऊँगी। तो हम देखें हो गए रेडी, मेरी बेटी भी होगी रेडी हो गई। रेडी अब रेडी होगी। मैंने इसके बाल बनाया था, पर इसने बाल खोल दिए और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ, क्या तकलीफ होंगे? अभी बस तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी तो हर जगह ही इतनी ज़्यादा। अभी मिलते हैं उनके घर पर जा के। तो ये देखें मैं आ गई हूँ फौजिया के घर पे। और क्या बना रही है फौजिया? कैमरे के सामने नहीं आ सकती क्योंकि हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी। बिरयानी बना रही है। तो ये इसका किचन है, मुझे इसका किचन बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा मैसी हुआ है क्योंकि काम कर रही हूँ इस वजह से। ये है फौजिया का बेटा। हाँ सना घर। हाँ फौजिया का घर। डांस करके दिखाओ। ये मेरी बेटी का डांस है, उसकी बेटी। ये रूम है, टीवी लगा हुआ है। मैं नीचे बैठी हूँ, मुझे नीचे सुकून मिल रहा है, गर्मी इतनी है। घर छोटा सा लेकिन खूबसूरत है, अच्छा। ये देखें शाम का टाइम हो गया और मौसम अब सही हो गया, बहुत ही अच्छा। ये बनाई रसम टाई, अभी हम लोगों ने खाई है, बहुत अच्छी है, स्वीट डिश। और बिरयानी हम खा चुके हैं और बीच में रखा है ये कीमा। ये बिरयानी अभी खा के फारिक हुए हैं खाना। और ये चाट,
सालन और ये चाट। हाँ ये देखिए चाट। खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी भी था, बहुत मज़ा आया। और ये है दुआ, दुआ से मिले एक और दुआ हमारी छोटी सी प्यारी सी। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो। ये बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत प्यार। कह रही मुझे फ़ोन पकड़ा दो। तो हम आ गए हैं घर, फौजिया के घर से वापस अपने घर पे आ गए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय की। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि आज भी उतनी ही गर्मी है, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसने बहुत अच्छी खातिरदारी की थी, मैं बस उसको वीडियो के सामने इस वजह से नहीं लेके आई क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको इजाज़त नहीं दी थी कैमरे के सामने आने की, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं दिखाया। वो भी मेरे घर पर आएगी तकरीबन कुछ दिन के बाद, कह रही थी कि मैं आऊँगी। और हमारा फिर से प्रोग्राम बन रहा है फार्म हाउस जाने का, मैं भी सलमान लोगों के साथ। अब देखो कब जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हम दोबारा से फार्म हाउस में जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे भी सब होंगे, सोने गोपाल लोग और होमी वगैरह ये सब होंगे। तो गर्मी इतनी पड़ रही है तो फिर लोग ये कर रहे हैं, फार्म हाउस वगैरह जा रहे हैं। तो जिस तरह के हालात आपको भी पता है कि हालात कितने ख़तरनाक किस्म के जा रहे हैं। सी साइड नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को देखेंगे या हम अपने आप को मतलब इंजॉय करेंगे। पानी वाली जगह ऐसी होती है कि बहुत ख़तरा होता है बच्चों का, बच्चों का भी दिल करता है पानी देख के आगे जाने को, लेकिन वहाँ पे बस डर ही लगा रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का, और हाथ नहीं मिलाइएगा किसी नए बंदे से, गले नहीं मिलिएगा। बस जितना परहेज़ करेंगी उतना आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें अपने आप को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।